कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ सरकारी फिक्स्ड डिपॉजिट FD जमा पर ज्यादा ब्याज दर दे रहे हैं, लेकिन यह ऑफर सीमित अवधि के लिए ही है। यूको बैंक ने कहा कि वह उन आवेदकों के लिए 999 दिनों की FD पर 30 बेसिस पॉइंट या 0.30% अधिक ब्याज दर देगा, जिन्होंने कम से कम कोविड वैक्सीन की एक डोज ले ली है। बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि हम टीकाकरण अभियान को बढ़ाने के लिए छोटे कदम भी उठा रहे हैं। हम सीमित अवधि के लिए 30 सितंबर तक यूको वैक्सी 999 का ऑफर दे रहे हैं। मालूम हो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में टीकाकरण कराने वालों के लिए लागू कार्ड दर से 25 बेसिस पॉइंट के अतिरिक्त ब्याज दर के साथ इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की थी। बैंक ने एक बयान में बताया कि नए ऑफर की मैच्योरिटी 1111 दिनों की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में कोविड-19 वैक्सीन खुराक की संख्या 23.59 करोड़ से अधिक हो गई है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि 18 से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए अब केंद्र ही वैक्सीन खरीदेगा और मुफ्त में राज्यों को देगा। 21 जून यानी योग दिवस से 18 पार के सभी लोगों का केंद्र की ओर से मुफ्त में टीकाकरण होने लगेगा। पीएम ने कहा कि वैक्सीन पर भ्रम न फैलाएं और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ न करें। केंद्र सरकार कोरोना रोधी टीके पर इस वित्त में 450 अरब रुपए खर्च कर सकती है, यानी यह धनराशि बजट में घोषित रकम से करीब 100 अरब ज्यादा होगी। सरकार निजी अस्पतालों में वैक्सीन लेने वालों का दायरा बढ़ाने के लिए भी अहम कदम उठाने जा रही है। वैक्सीन के लिए विशेष नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिबेंचर का प्रावधान किया जाएगा। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए वैक्सीन खरीद सकेगा।